में एक, और ए की पावर टू मतलब कि ए को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, दो बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है, इतना सिंपल होता है फैक्टर करना, बहुत ज्यादा। इसका एलसीएम लो, छोटे नंबर से तोड़ दो और सिंपली बिल्कुल बारी बारी को फैक्टर कर देना है, और आपका फैक्टर मतलब ये होता है कि सिंपल सिंपल नंबर से तोड़ना। ओके, तो आपका आंसर निकल चुका है, इसको उतार लो, 30 सेकंड दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल था भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन था ही, क्या कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है 88 ए की पावर 3 एक्स की पावर 3 आपको दे रखा है। तो यहां पर भी आपको वही काम करना है, आपको 88 का लेना है एलसीएम। क्या करेंगे आप लोग, 88 का आप लोग लेंगे एलसीएम। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11। ओके, तो जितने भी आप नंबर दिख रहे हैं सभी को यहाँ पर लिख दीजिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 11। ए की पावर 3 मतलब कि ए को करना है 3 बार मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 3 मतलब कि एक्स को करना है 3 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार, 3 बार। ओके, साथ में 1 लगा देंगे, बस इतना आपको करना है, ये आपका हो चुका है फैक्टर, बस और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट जरूर करो, ठीक है, उतार लो, इतने में 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं, 30 सेकंड आपके पास है, उतार लो इतने में जल्दी से तुरंत, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करना। 2 क्वेश्चन फाइनली आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और रह गए, सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए, आप लोग उतार लो, रफ करते हैं, ठीक है, 30 सेकंड उतारते रहना भाई, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, रफ करते हैं इसको, और आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब थर्ड वाला पार्ट आपका देखते हैं, तो थर्ड वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है, क्या थर्ड वाला पार्ट आपको दे रखा है, कितना, 16 ए की पावर 3 साथ में 8 ए की पावर 2। इसमें आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, क्या निकालना है आपको, कॉमन फैक्टर, इन दोनों में, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन, कॉमन फैक्टर करना सिखाया था मैंने आपको लास्ट लाइन में, देखा था, नहीं देखा था, देखा ही होगा। ओके, तो आपको कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर निकालना है, क्या करना है, कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। प्रियल, अच्छा जी, बारह माइक फंस जा रहे हैं, देखो 16 का पहले आपको फैक्टर करना है, तो 16 मतलब 2 को 4 बार लिख देंगे, 16 आपको पता है कितना होता है, 2 के पावर 4 होता है, और ए की पावर 3 मतलब कि ए को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है। और 8 को कैसे करते हैं फैक्टर, 8 मतलब कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए की पावर 2 मतलब कि ए को 2 बार, सिंपल सा, और साथ में 1 लगा देंगे। अब इन दोनों जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 बार 2 को बाहर निकाल लो पहले तो, ठीक है, 1 2 1 2, तो 2 बार ए को बाहर निकाल लो, बस ये आपको बन चुका है कॉमन फैक्टर। ओके, बहुत ही सिंपल, उतार लो, कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो क्वालिटी प्रॉपर आ रही है ना, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, उतार लो भाई, जल्दी उतार लो, लास्ट का 1 क्वेश्चन बच गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गए हैं, उतार ही लिया आप लोगों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रफ करते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन मतलब कि 81 ए का स्क्वायर। अब 81 ए का स्क्वायर मतलब कि 81 का आपको करना है फैक्टर, तो वही काम करेंगे आप लोग, सिंपल सा एलसीएम लेंगे। अरे माइक एरर दे रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बार फंस जा रहा है, रुक जाओ 2 मिनट रुको भाई, हाँ ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। 81 का आपको लेना है क्या, एलसीएम, 81 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 से पहले करेंगे एलसीएम, में आपको आता है पहले से, ठीक है। या फिर एक चीज़ आप जानते हैं कि 81 क्या होता है आपका, 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 81 होता है ना, सिंपल सा, 9 का स्क्वायर मतलब कि आपको 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और 9 क्या होता है आपका, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भैया जी, 3 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा में 3 यहाँ पर लिख देंगे, बस लो 4 बार आपका 3 आ चुका है, तो 3 × 3 × 3 × 3 लिख देंगे यहाँ पर, और ए की पावर 2 मतलब कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। लो जी, आपका आंसर निकल कर आ चुका है, उतार लीजिए इसको, ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, उतार लीजिए तुरंत,